दोस्तों, कुछ कर्म कुछ काम हमारे ऐसे होते हैं जो हम करते नहीं, हमसे करवाए जाते हैं। भगवान भेजता है हमें वो काम करने के लिए, वो कर्म करने के लिए। आज के जन्माष्टमी के अवसर पर एक छोटी सी कहानी लेके आया हूँ इसी से जुड़ी हुई। आशा करता हूँ कि आपको पसंद आएगी। एक छोटा लड़का स्कूल से वापस लौटा और पापा से बोला, पापा मुझे आज एक होमवर्क मिला है, मुझे 10 लोगों को हग करना है और उनसे कहना है, बी पेशेंट, ट्रस्ट लाइफ एंड आई लव यू। पापा ने कहा, ठीक है, कल मॉल चलेंगे और तुम ये होमवर्क कर लेना। अगले दिन बेटा उठा, बहुत ही उत्तेजित था। सुबह उठा, तैयार हुआ, भागकर पापा के पास पहुंचा और बोला, पापा पापा याद है ना, आज मॉल जाना है और मुझे होमवर्क करना है। पापा ने कहा, बहुत मूसलाधार बारिश हो रही है, आज शायद मॉल में इतने लोग मिलेंगे नहीं, तो कल चलेंगे। बेटा बोला, नहीं, ये काम तो मुझे आज ही करना है, आज ही चलना है। चलो ना पापा, आज ही चलेंगे मॉल जाके ये होमवर्क करेंगे। पापा अपने बेटे की जिद के सामने कैसे ना झुकते, वो भी तैयार हुए और दोनों मॉल पहुंचे। वहां वो एक घंटा खड़े रहे और उस एक घंटे में बेटे ने 9 लोगों को हग किया और कहा, बी पेशेंट, ट्रस्ट लाइफ एंड आई लव यू। एक घंटा मॉल में रहने के बाद पापा ने अपने बेटे से कहा, अब घर चलते हैं, बहुत बारिश हो रही है, कहीं हम फंस ना जाएं। बेटा जाना नहीं चाहता था, बहुत उदास हुआ, पर पापा का कहना मानते हुए बोला, ठीक है पापा, वापस चलते हैं। जब दोनों कार में वापस आ रहे थे तो अचानक एक रैंडम घर के सामने देखते हुए बेटे ने पापा से कहा, पापा कार रोको ना, मैं जाता हूँ, खटखटाता हूँ और देखता हूँ जो भी बाहर आएगा उसे एक हग दूंगा और अपना होमवर्क पूरा कर लूँगा। पापा ने उस घर के सामने गाड़ी रोकी, बेटा गाड़ी से उतरा, जाके दरवाजे पे खटखटाया, फिर घंटी बजाई, कोई आवाज़ नहीं आई। उसने फिर घंटी बजाई, फिर खटखटाया, कोई आवाज़ नहीं आई। कुछ देर ऐसा करने के बाद वो उदास हो गया, उसे लगा शायद इस घर में कोई रहता नहीं, या सो रहा है या कुछ और। उस उदास चेहरे से वो मुड़ा और कार की तरफ वापस चलने लगा। अचानक उसे दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई, वो मुड़ा और देखा एक लेडी दरवाजे पे खड़ी हुई है, उदास सा चेहरा, और उसने उस लड़के को पूछा, हाउ कैन आई हेल्प यू। लड़का भागकर उसके पास पहुंचा और बोला, कैन आई हग यू, कैन आई गिव यू अ बिग हग, एंड आई वॉन्ट टू से, बी पेशेंट, ट्रस्ट लाइफ एंड आई लव यू। उस औरत ने छोटे से लड़के को हग किया, बहुत टाइट हग किया और सुबक सुबक के रोने लगी। ये देख कार में बैठे पापा थोड़ा घबरा गए, कार से उतरे और दरवाजे के पास पहुंचे और उस औरत से पूछा, सब ठीक है ना, आई होप एवरीथिंग इज ओके। उस औरत ने कहा, बहुत बारिश हो रही है, व्हाई डोंट यू बोथ कम इनसाइड, आई विल टेल यू ऑल। बाप बेटा दोनों घर के अंदर आए, घर में उस औरत ने उन्हें बैठाया और कहा, मैं चाय लेके आती हूँ। उस औरत के चेहरे पे एक छोटी सी मुस्कान थी जो उसके उदासी भरे चेहरे से निकल के आ रही थी। वो चाय बना के लाई, पापा और बेटे के साथ बैठी और उनसे कहने लगी, माय हस्बैंड पास्ड अवे नंबर ऑफ इयर्स बैक, आई हैव बीन लोनली ऑल दीस इयर्स, इट हैज बीन बिकमिंग एक्सट्रीमली हार्ड फॉर मी टू गो थ्रू माय लाइफ, टुडे आई ऑलमोस्ट गिव अप, I just wanted to commit suicide and end my life. As I was seeing the world for one last time, I begged for forgiveness to my Lord Krishna. And that's exactly when I heard this knock. I thought to leave it. But then I thought nobody comes to visit me. Nobody comes at my door. Has Lord Krishna come at my door? And when I opened the door, I couldn't believe what my eyes saw, this little child. And when he said, be patient, trust life, and I love you, I knew it was a message from God.
suddenly I realized I don't want to die anymore and have decided to make something productive of my life. God comes in various forms. Lord Krishna comes in various forms. And always there when you need Lord Krishna the most. In the form of child, with that smile and the message, be patient, trust life, and I love you. Remember, give positive thoughts to people. Tell them you stand by them. And even if nothing, just listen to them. You could be the medium that saves life. You could be the person through whom Lord Krishna has sent that karma, that work, that smile, that happiness. Be good always. Happy Janmashtami to everyone.